हेलो दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज। दोस्तों, ये नाम सुनकर ही हमारे शरीर में एक अलग ही ऊर्जा का महसूस होता है। शिवाजी के नाम में ही इतनी ताकत है, तो आप जरा सोचिए कि शिवाजी के अंदर कितनी ताकत होगी। शिवनेरी के किले में जन्मे शिवाजी महाराज के शौर्य को कौन नहीं जानता। शिवाजी महाराज के शौर्य के ऊपर हमने दो वीडियो बनाई है, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। प्लीज उस वीडियो को भी देखना। शिवाजी महाराज ने तो बहुत सारे इतिहास रचे हैं, लेकिन उसके बाद उनके जो वंशज है वो आज है और कैसे है, दोस्तों ये बात हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले, आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक कर देना। तो दोस्तों, स्वागत है आपका द वे ऑफ फैक्ट की एक और मजेदार वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज। शिवाजी ने ही मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। इसके अलावा शिवाजी को हम फादर ऑफ इंडियन नेवी के नाम से भी जानते हैं। और एक वक्त तो ऐसा था, शिवाजी ने मराठा साम्राज्य का भगवा पूरे भारत में लहरा दिया था और शिवाजी महाराज ने मुगलों की खटिया खड़ी कर दी थी। और हम इतिहास की माने तो मुगल शासन का अंत शिवाजी महाराज ने ही किया है। दोस्तों, आज के समय में शिवाजी महाराज के वंशज के रूप में जिन व्यक्ति का नाम आता है, वो नाम कुछ ये है: छत्रपति उदयन राजे भोसले सतारा और छत्रपति संभाजी राजे भोसले कोल्हापुर का नाम आता है। और इन्हीं दोनों भाई को शिवाजी की राजगद्दी का वारिस भी माना जाता है और ये उनके 17वें वंशज हैं। इनके अलावा ये दोनों भाई भाजपा की तरफ से राज्यसभा सांसद भी है। वैसे दोनों भाइयों में आपसी अनबन चलती रहती है। अगर हम बात करें संभाजी राजे की, तो वो हमेशा अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए चर्चा में रहते हैं। इनके अलावा संभाजी ने कोल्हापुर से ही MBA किया है। राजनीति में आने से पहले वो काफी सोशल किया करते थे। फिलहाल वो कोल्हापुर के राजघराने में रहते हैं और वहाँ पर सब उसको महाराज कहकर ही बुलाते हैं और तारा मान सम्मान भी दिया जाता है। इनके अलावा इनके भाई उदयन राजे भोसले भी सतारा में बहुत लोकप्रिय हैं। ये अपने उग्र स्वभाव के लिए बहुत जाने जाते हैं। बहुत सारी संपत्ति के मालिक होने के बावजूद भी ये अकेले बुलेट पर घूमना ज्यादा पसंद करते हैं और ये अकेले बुलेट पर हमेशा घूमते हैं। इनके अलावा इनका राजनीतिक जीवन बहुत उतार चढ़ाव से भरा है, लेकिन सतारा के लोग उनको भरपूर समर्थन करते हैं। तो दोस्तों, ये थे छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज। और दोस्तों, आपने कभी छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशजों को देखा है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इसके अलावा दोस्तों, मैंने शिवाजी महाराज और उनकी तलवार के ऊपर एक एक वीडियो बनाई है, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो प्लीज उस वीडियो को भी जरूर देखना। और आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और ऐसे मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।